हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारी इस ऑनलाइन वीडियो ट्यूटोरियल्स में। देखिए, ये जो क्लास, ये जो वीडियोज है, मैंने डेडिकेट किया है मिस्टर धवल के लिए। उन्होंने मेरा ऐप डाउनलोड किया था और उनके पास एक छोटी सी प्रॉब्लम, छोटी क्या, उनके कैरियर से लेके एक प्रॉब्लम है। बेसिकली वो टेक्निकल बैकग्राउंड से वो आना चाहते हैं डेटा एनालिटिक्स के बैकग्राउंड, और वो समझ नहीं पा रहे हैं कि डेटा एनालिटिक्स के लिए उनको कौन सा कोर्स लेना चाहिए। तो दोस्तों, ऐसी प्रॉब्लम का सलूशन है कि आप सबसे पहले नौकरी.com जॉब पोर्टल साइट, जो भी जॉब पोर्टल साइट है, नौकरी.com हो गया, या फिर आपके मोनेस्टर हो गया, शाइन हो गया, इंडिन हो गया, लिंक्डइन हो गया, ऐसे बहुत सारे पोर्टल्स, कोई एक पोर्टल चूज कर लिए, या सारे पोर्टल पे आप पहले जॉब को सर्च करें। तो मैंने यहाँ पे एनालिटिक्स का जॉब सर्च किया, सिंपल से क्या डाला, एनालिटिक्स को डाला। तो मुझे यहाँ पे सैप प्रोग्रामर, डेटा एनालिटिक्स, एचआर इंटर्न आ रहा है, एसजी एनालिटिक्स जो है आपका दिख रहा है, एचआर इंटर्न रोल है, असिस्टेंट मैनेजर का है। एक जो सबसे पहला मिला, डेटा एनालिटिक्स, जी हाँ, ट्रिगन सॉफ्टवेयर कंपनी है, उस कंपनी के रिलीज है। तो इसको मैंने ओपन किया। अब जॉब देखने से पहले आप उस कंपनी के बारे में पता कर लें। तो इसकी वेबसाइट है, तो मुझे इस वेबसाइट से मैं इस कंपनी के बारे में पता कर रहा हूँ। बेसिकली कंपनी है जो कि सॉफ्टवेयर वगैरह डेवलप करती है, जी हाँ, सॉफ्टवेयर डेवलप सर्विसेज में। आप देखें तो सर्विसेज में यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, रियलाइज द सर्विसेज प्रोवाइडर्स विद क्रिएट द हैप्पी कस्टमर, एम्प्लॉय ने हेल्प द ऑपरेशनल यू बैंडविड्थ फोकस और मार्केट ग्रोथ, कस्टमर फुटप्रिंट एंड टर्न हैव फोकस इंडिकेटेड वर्क टुडे। तो ये सर्विस देती है एप्लीकेशन डेवलपमेंट, क्लाउड सर्विसेज, डिस्प्ले टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, मोबिलिटी, टेस्टिंग, प्रोडक्ट मीटिंग, तो इतने सारे चीजों पे देती है। तो कंपनी ठीक ठाक है, हालांकि है ये बैंगलोर में, पर ठीक ठाक है। और कंपनी आप पहले देखिए कंपनी जो है किस किस फील्ड में काम कर रही है, उसके अलावा एक कंपनी इंडिया की है, बाहर की है। सो ये इंडिया की कंपनी नहीं है, ये बाहर की कंपनी है, जी हाँ, बट बैंगलोर में इसका एक ब्रांच है, इंडियन लोकेशन। अब बात करते हैं कंपनी की जो वैकेंसीज निकली है वो डिमांड क्या कर रहा है। तो डिमांड करने के लिए यहाँ पे जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी बता रहा है, समझा रहा है, लेकिन यहाँ पे बेसिक क्वालिफिकेशन ये बोला है, स्ट्रॉन्ग राइटिंग एंड वर्बल कम्युनिकेशन, जी हाँ, आपको इसमें कंटेन राइटिंग आना चाहिए, क्योंकि जब एनालिटिक्स करेंगे तो आपको कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि एनालिटिक्स क्या होता है, विशेषज्ञ होते हैं ना, किसी चीज के को उसके बारे में डिटेल में जान। तो आप अपना ओपिनियन देने के लिए आपको राइटिंग स्किल आना चाहिए कि आप उसके बारे में लिख सके, ये बहुत कम जगह पे होता है। अब यहाँ पे दूसरा आता है, अंडरस्टैंडिंग द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंसेप्ट एंड सिस्टम आर्किटेक्चर। ठीक है, सबसे पहले तो आपको सॉफ्टवेयर, इसमें नहीं है कि आपको, ये नहीं बोल रहा है कि आपको सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाहिए, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि सॉफ्टवेयर या कि प्रोग्राम या सिस्टम का जो कंप्यूटर का जो आर्किटेक्चर है कैसे परफॉर्म करता है। इसके बाद आता है बेसिक लेवल अंडरस्टैंडिंग द डेटाबेस ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मैसेजिंग। इसमें आपको डेटाबेस की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम की नॉलेज होनी चाहिए, जो विंडोज होते हैं, और जो मैसेजिंग मतलब कि मेलिंग वगैरह का जो है वो सारा पता होना चाहिए। और यहाँ जो तीसरा है, देखिए, प्रोफेंसी इन द डेटा एनालिटिक्स एंड यूजिंग द एक्सेल एंड एसक्यूएल। तो एक्सेल तो चाहिए चाहिए, एक्सेल तो चाहिए ही चाहिए। उसके अलावा अगर हम और भी जॉब्स को देखें यहाँ पे, एक तो मैंने इसे एक किया, आप और भी देखें जॉब्स को तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। जैसे देखिए एनालिटिक्स कंसल्टेंट है, और इसके बाद डेटा एनालिटिक्स, ई कॉमर्स एनालिटिक्स है, दो तो मैंने और ओपन किए हैं इसको रिसर्च करने के। तो इसमें भी आप देख रहे हैं, इसमें भी एक्सटर्नल मैंने कि एसेंशियल स्किल्स जो है आपका आना चाहिए। इसमें भी इसने एसक्यूएल की डिमांड कर किया है, एसक्यूएल आना चाहिए आपको। इसमें टैबलू, बीआई टूल्स पता होना चाहिए आपको।
एबीआई लेवल का टूल्स है, बट एक्सेल इसको भी चाहिए, बगैर एक्सेल का नहीं होगा सर, क्योंकि रिपोर्टिंग करेंगे कैसे आप। देखिए अब यहाँ पे जो डेटा एनालिटिक्स है, ई कॉमर्स एनालिटिक्स जो है आपका, उसमें देखिए उन्होंने पहले लिख रखा है कि स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस इन एक्सेल और आप कंफर्टेबल होने चाहिए किसमें, एडवांस फंक्शंस में। उसके बाद जो है आर पैथन वगैरह और बाकी जो बीआई टूल्स पावर बीआई टैब्लू जैसे स्किल्स की डिमांड कर रहा है, तो एक्सेल आना चाहिए, पावर भी आपने देखा कि पावर भी आना चाहिए, पावर भी टैबलो दोनों एक ही तरह का होता है तो आना चाहिए। तो ये चीज आपको पहले से आना चाहिए, अगर नहीं आता तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो धवल जी मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा कि आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए। अगर हम कोर्स की बात करें तो अगर इस जिस प्रोफाइल इसकी कोर्स की बात करें तो आप मेरा पहले तो मेरा मोबाइल ऐप डाउनलोड करें, इस मोबाइल ऐप के अंदर आपको मेरे कोर्सेज दिखेंगे या फिर app.ibtindia.com भी जा सकते हैं, इसके अंदर कोर्स दिखेंगे। तो इस कोर्स के लिए आपको मैं बता दूं जो ऑल कोर्स है ए वाली पार्ट है, इसकी कुछ कोर्सेज आपके लिए हाला पूरा कोर्स ने बटे कंबाइन किया हुआ है। सबसे पहला तो इस पे आपको एक्सेल की पूरी कंप्लीट एक्सेल दिया गया, इसमें एक्सेल वीवीए एक्सेल सीक्वल सब कुछ इसमें इंक्लूड है। आप देखेंगे इसमें आपका यहाँ पे इसमें एडवांस एक्सेल है, वीवीए है, एक्सेल से सीक्वल है। दूसरा है आपका इसमें पावर बीआई, तीसरा आपका डैशबोर्ड, चौथा आपका टैबलू एंड पांचवा आपका है 8.7 का है एमएस ऑफिस। इसमें आउटलुक वगैरह से मेल मैसेजिंग के लिए बारे में दिया गया कि एमएस ऑफिस का पैकेज इसमें दिया गया। तो आप इसको आप अच्छे से देखेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। तो एक कोर्स खरीद कर सकते हैं, हालांकि इसकी प्राइस 6,000 है, बट आज इस पे 50% का डिस्काउंट चल रहा है कूपन से। यहाँ देखिए अवेलेबल कूपन कोड है, व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे तो ये आपको स्पेशल ऑफर चल रहा है, इसमें आज ही एक्सपायर होने वाला है, इसको अप्लाई करेंगे तो ये आपका प्राइस जो है ये आपका 3,000 आ जाएगा, इसको आप ले सकते हैं। बाकी कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे कॉल करें, मेरा नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। थैंक यू।